सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी जो है रोटी रोटी लेके मैं आ चुका हूँ ऊपर। टाइम हो चुका है अपने कबूतरों को बाहर निकालने का। फिलहाल में तो बारिश हो रही, सब कुछ बंद है। इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि काफी ज्यादा बारिश हो रहा था, अपने बहुत सारे कबूतर गीले भी हो गए थे। बारिश इतना ज्यादा हो रहा है कि हम लोग जो है अपने जाल के ऊपर भी प्लास्टिक लगा चुके हैं, अंदर से भी मैंने कुछ ऐसे कर दिया। ये प्लास्टिक जो है यहाँ से टूट गया, इसको मैं दोबारा से बांध दूंगा, क्योंकि गाइस बारिश इतना ज़्यादा तेज होता है कि पानी थोड़ा बहुत चला ही जाता है। और मैं ट्राई करता हूँ कि अपने कबूतर जितने भी हैं वो बिल्कुल सेफ रहे। देखो इस साइड से भी मैंने प्लास्टिक बांधा हुआ है, इधर भी प्लास्टिक रहता है, लेकिन अभी फिलहाल में मैंने इसको खोल रखा है। सुबह से तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सही है, सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत बारिश हुआ था, उसके बाद भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सही था, हवा काफ़ी तेज चल रहा है, लेकिन गाइस बारिश बंद है, ये अच्छा है। तो चलो बिना कोई जल्दी से हम लोग अपने कबूतरों को निकालते हैं बाहर, नहीं तो भाई बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, बारिश कभी भी आ सकता है। हमारे पास घाघरे में बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे हो चुके हैं, तो ये जो है सबसे छोटा वाला है, एक इसी की बहन है, उसके पर में हम लोगों ने कलर लगाया था। ओ भाई आ आ आ आ आ, बारिश के अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम यही होता है कि भाई अपने कबूतरों को टाइम टू टाइम दाना पानी कराना। ये देखो ये लोग तो अभी से आ चुके हैं रोटी खाने के लिए, लेकिन अभी मैं ये लोग को नहीं दूंगा, अभी भी डाल दूंगा तो भाई सभी खा लेंगे, लेकिन अभी ये लोग को थोड़ी देर हम लोग घूमने फिरने देते, उसके बाद रोटी देंगे। कंटिन्यू बारिश पड़ने लगता है 4-5 दिन, उस टाइम पर हम लोग को अपने कबूतरों को दाना पानी देने में काफ़ी दिक्कत होता है, मौसम भी काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो भाई ये काफ़ी चैलेंजिंग काम है। अगर टाइम टू टाइम ये लोग को दाना पानी ना मिले तो दिक्कत भी आ सकता है। इस टाइम पे जो है अपने बहुत सारे कबूतर गंदे तो हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने किसी भी कबूतर को किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं है, कोई भी कबूतर अपना बीमारी में नहीं आया। अगर आप लोग हमारे व्हाइट कबूतर देखोगे ना, उनकी कंडीशन तो काफी ज्यादा ऐसे देखने में गंदा सा लग रहा है, खराब लग रहा है। उसका रीजन ये है कि भाई बारिश में लोग बीट करते हैं, बीट गीला रहता है, और जो बछार जाता है ना पानी का, वो छींटे की वजह से पूरा गंदगी इनके ऊपर जाता है और ये गंदे हो जाते हैं। देखो ये कबूतर भी, लेकिन चलो गंदगी का तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होगा पानी दे दूंगा नहाने के लिए, ये लोग जो है धीमे धीमे साफ हो जाएंगे। लेकिन हमें ट्राई करना है भाई बारिश के सीजन में अपना कोई भी कबूतर बीमारी में ना आए, क्योंकि बारिश में गाइस सबसे ज्यादा बीमारी आता है, जैसे आँख की बीमारी हो गई, सर्दी खांसी, फिर कबूतर खाना पानी कम कर देगा बारिश होने की वजह से। अभी जो है मैंने अपने कबूतरों को रोटी तो डाल दिया है, लेकिन थोड़ा सा रोटी मैंने बचा लिया है अपने लव बर्ड्स के लिए, ठीक है। इसमें दाना वाना पड़ा हुआ है जो इनका फीड है वो, लेकिन थोड़ा रोटी भी डाल देते हैं, ये लोग रोटी भी काफ़ी पसंद से खाते हैं। और बारिश में भाई ये लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, इधर भी पूरा प्लास्टिक है, इधर से भी पानी वानी आ नहीं पाता है, ऊपर भी पूरा कवर है, और जब ज़्यादा बारिश होता है पीछे से पानी आने लगता है, तो ये लोग जो है अपने घर के अंदर चले जाते हैं। अब बारिश है, जाल के अंदर जो पेटी में बच्चे निकले हुए हैं वो लोगों को चेक करने की, क्योंकि अभी जो है कंटिन्यू बारिश हो रहा है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और हमारे पेटी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे निकले हुए हैं, वो लोगों को भी चेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर मान लो कोई बच्चा एक्सपायर हो गया, हम लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया, तो भाई वो जो है सड़ने गलने लगेगा और उसके वजह से बीमारी भी फैल सकती है, इसीलिए पेटी में भी टाइम टू टाइम चेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चा तो भाई मुझे बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है, मैं इसको निकालता हूँ थोड़ा। ये देखो ये अभी गाइस घाघरे में ही बच्चा निकल रहा है, बहुत ही प्यारा है। और कमाल की बात ये है कि ये बच्चा किसका है मुझे खुद को नहीं पता, ये बच्चा हमारे कमग्गर फीमेल के नीचे है, ये उसका बच्चा है या फिर किसी और कबूतर ने उसकी पेटी में जाके अंडा दे दिया था। गाइस ये बच्चा जो है बहुत ही प्यारा निकल रहा है। यहाँ पे निकले हुए हैं दो छोटे छोटे बच्चे, और भाई दोनों बच्चे प्रॉपर हैं क्या? हाँ दोनों ही बच्चे बिल्कुल एक्टिव हैं। वैसे बारिश का सीज़न है, कबूतर दो बच्चे प्रॉपर तो नहीं पाल पाएगा, तो इसका भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। चेक करो ये हमारे पल्टर कबूतर का बच्चा है, बहुत ही प्यारा निकल रहा है, पूरी की पूरी ब्लैक पूंछ में, कलसरे टाइप में। और इसी का एक भाई सेम ऐसा ही यहाँ पर बैठा हुआ है, ये अभी बिल्कुल ठीक है। इसके बगल वाली पेटी में जो है दो बच्चे हैं, और गाइस यहाँ पे दिक्कत है भाई, ये बच्चे बिल्कुल सही नहीं है, इनका कुछ मैंने नहीं किया, तो इतना 100% है कि इनमें से एक बच्चा तो एक्सपायर हो जाएगा। ये देखो ये वाले गाइस बच्चे का कंडीशन काफ़ी ख़राब है,
बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया भाई इसका कंडीशन। आई थिंक ये नहीं बच पाएगा। ये वाला जो गाइस बच्चा है ये तो बिल्कुल ठीक है, जो बच्चा है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं पा रहा है। तो बारिश में ये दिक्कत होता है, एक तो कबूतर खुद दाना पानी बराबर नहीं कर पाता और भाई वो दो बच्चे कहाँ से पालेगा। लेकिन इनको ऐसे नहीं रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये पक्का एक्सपायर हो जाएंगे। इनके ऊपर एक और बच्चा है, ये देखो भाई तू यहाँ पे आ जा। और गाइस अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक ही बच्चा है, कबूतर इसको अच्छे से पाल लेंगे। और यहाँ पे भी एक बच्चा है। अभी जो है दिक्कत वाली बात ये है कि हमारे दो जोड़े कबूतरों के नीचे दो दो बच्चे हैं और ये बारिश के सीजन में कबूतर जो है प्रॉपर दाना पानी नहीं कर पाते, तो मेरे हिसाब से वो लोग जो है दो बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं पाल पाएंगे। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये फीमेल ने जो है अभी हाल में ही अंडा दिया है, तो आज रात के टाइम में क्यों ना एक बच्चा हम लोग इसके नीचे रख दे, ये जो कनाक का है, और ये फीमेल के नीचे हम लोगों ने अपने कागजी कबूतरों का अंडा रखा था, तो वो लोगों ने देखो तोड़ दिया। यहाँ से एक बच्चे को उठा के इन लोगों के नीचे रख दिया जाए। अभी कबूतर है गाइस, जो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा घाघरे में बच्चा दिखाया जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो हमारी कमग्गर फीमेल का है या फिर कोई और कबूतर का। जो कमग्गर फीमेल है ना, दो तीन दिन से मतलब अजीब सी हरकत कर रही है, उड़ जाती है और बहुत दूर दूर चली जाती है। अपने सभी कबूतर यहाँ पे आराम से घूम फिर रहे हैं और जो मस्ती में उड़ते भी हैं वो चक्कर उक्कर लगा के आ जाते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा दूर, मतलब सतीश का घर जिस साइड है उस साइड में वो फीमेल निकल गई है। मैं अंदर जाके बच्चे देख रहा था कि जो अपने कबूतरों के बच्चे वो प्रॉपर हैं या फिर नहीं, और अभी आके देख रहा हूँ तो भाई वो फीमेल कहाँ गई, वो उड़ रही है गाइस। ये रही, ये देखो फुल जूम कर दिया, फिर हल्का सा आई और फिर और ज़्यादा पीछे चली गई। पहले जो है इसका मेल निकल गया था, अब ऐसा ना हो कि फीमेल भी निकल जाए। मैं पहले इस साइड में गई थी, सो गाइस ये चेक करो। ये उड़ रही है यहाँ पे, अभी आप लोग को हल्का सा दिखा होगा, ये रही, ये हमारा ही कबूतर है जो बिल्डिंग के साइड में जाके उड़ रहा है। ले यहाँ पे आके पास तो गाइस मुझे तो अभी तक कबूतर नहीं दिखा है, लेकिन ये लोग को दिख रहा है, ये लोग बोल रहे हैं हल्का सा फड़की दे दो, तो दे देते हैं भाई। आ रही है अभी भी, तो मुझे क्यों नहीं दिख रही है ये आ रही, नीचे नीचे आ रही है, ऊपर से ऊपर से आ रही है, सीधा ही आ रही है। रुक आंदे और नजदीक आंदे। अभी गाइस अपने कुछ कबूतरों को हम लोग कभी ऊपर बोलता है कभी नीचे बोलता है, कहाँ है भाई? अच्छा ये आ गई भाई, दिख गया। सो गाइस अभी जो है मुझे दिख गई, ये रही कौआ है, कौआ है ही, छी सालो तुम लोग। सो गाइस ये लोग जो है मुझे इसको दिखा रहे थे, ये काफी दूर था, इन लोगों को लगा ये हमारा कबूतर है, ये देखो। लेकिन ये भाई हमारा कबूतर नहीं, ये कौआ है। तो जो फीमेल थी वो तो भाई नहीं आई, वो पीछे साइड चली गई और अभी हम लोग को पता भी नहीं चल रहा कि वो फीमेल कहाँ गई। ये दूर था तो ये लोग को ऐसा लगा कि भाई शायद ये वही हो, क्योंकि दूर कबूतर ब्लैक ब्लैक सा ही दिखता है, बट ये वो नहीं था, ये तो कौआ निकला है। वो फीमेल आती है या फिर नहीं, अभी तक तो फीमेल का कोई भी अता पता नहीं है। मेरे हिसाब से गाइस वो बहुत ज़्यादा दूर निकल गई है, अब हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे जाके बैठ गई है। तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना है, चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, और फीमेल आएगी तो मैं उसका भी आप लोग को अपडेट दे दूंगा। तो गाइस हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट।